प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को दिन में नई दिल्ली से रवाना हुए। पीएम गुरुवार को सुबह करीब 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने विमान यात्रा की तस्वीर ट्विटर पर साझा की है। इस फोटो में पीएम कुछ फाइलों के साथ दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, लंबी उड़ान का मतलब पेपर्स और कुछ फाइल वर्क के काम को करने के अवसरों से भी है। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे के दौरान जो बाइडेन सहित विश्व के अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अपनी यात्रा का समापन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक चुनौतियों, खासकर कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबोधन से करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए विमान पर सवार होते हुए वहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के अन्य नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम ने यात्रा के दौरान क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ हिस्सा लेंगे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।